धुंधकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति और श्रीमद् भागवत कथा से उसका उद्धार। श्री भागवत की कथा के श्रवण से वासना की हर एक ग्रंथि टूटती है। भागवत कथा से ये ग्रंथियां टूटती हैं। प्रभु से प्रेम बढ़े तो आसक्ति की ग्रंथियां टूटने लगे। श्री भगवान के नाम का जप करेंगे और वही एक सत्य है ऐसा मानकर उसका नित्य स्मरण करेंगे तो वासनाओं की ग्रंथियां छूट जाएंगी। एक सेठ का नियम था, वो 12 वर्षों से कथा सुनाता आ रहा था। एक ब्राह्मण रोज कथा करने के लिए आता था। एक दिन सेठ के बाहर जाने का प्रसंग उपस्थित हुआ। कथा श्रवण के नियम को भंग कैसे किया जाए, उसने ब्राह्मण से पूछा कि मैं कल कथा नहीं सुन सकूंगा, मेरे नियम का क्या होगा। ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारा पुत्र कथा सुनेगा तो चल जाएगा। ग्रस्त ने पूछा कि कथा सुनने से वो वितरागी बन गया तो। ब्राह्मण ने कहा, 12 वर्षों से तुम कथा सुन रहे हो, तुम वितरागी न हुए तो फिर एक दिन की कथा से तुम्हारा पुत्र वैरागी कैसे हो जाएगा। यजमान कहता है, हम तो रोज कथा सुनते हैं किंतु मन की गांठ नहीं छोड़ते। ऐसा मत करो, कथा सुनकर मन की गांठ छूटनी चाहिए। जीव जब तक संसार सुख का त्याग मन से न करे तब तक भक्ति सिद्ध नहीं होती। योग का त्याग भी नहीं करना है और भक्ति भी करनी है, ये कैसे हो सकता है। धीरे धीरे मन को स्वभाव को सुधारना चाहिए। स्वभाव के सुधारने पर ही भक्ति सिद्ध होती है। ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करने के लिए ही ये भागवत कथा है। परमात्मा के चरणों का आसरा लेकर ही महापापी धुंधकारी देवता जैसा बन गया। धुंधकारी कहता है कि इस कथा से ही मेरे जैसे पापी को भी परम गति प्राप्त हुई। धुंधकारी को लेने के लिए पार्षद विमान लेकर आए। गोकर्ण ने पार्षदों से पूछा, केवल धुंधकारी को लेने के लिए ही विमान क्यों लाए और किसी को लेने के लिए क्यों नहीं। पार्षद ने कहा, वो धुंधकारी एक आसन पर बैठता था, अनशन करता था और रोज कथा का मनन करता था। प्रभु के चरणों में निवास करना, उन्हें अपने मन में निवास कराना ही उपवास है। उपवास के समय कुछ भी खाने पर पूर्ण उपवास नहीं होता। कथा सुनकर केवल धुंधकारी को ही मुक्ति क्यों मिली। कथा धुंधकारी की ही तरह सुननी चाहिए। उसने कथा का मनन और निध ध्यान किया तो उसे मुक्ति मिली। श्रवण मनन और निध ध्यान से ज्ञान दृढ़ होता है। अदृढ़ च हंतम ज्ञानम प्रमोदेन हंतम श्रोतम संदिग्धो ही हतो मंत्रो विग्रचितो हतो जपः। जिस तरह बिना दृढ़ता का ज्ञान व्यर्थ है, उसी तरह लापरवाही से किया गया श्रवण भी व्यर्थ ही है। संदेह युक्त मंत्र व्यर्थ है। विग्रचित से किए गए जप का भी कोई फल नहीं मिलता। संदेह करने से मंत्र और चित्त के इधर उधर भटकने से जप फलदायी नहीं होते। कथा में मन के बिना बैठकर श्रवण करने से क्या लाभ, वो फलदायी नहीं होता। कथा सुनते समय तन मन और घर की समानता भूल जानी चाहिए। देह देहात्मक विस्मृति से और तन्मयता से कथा सुननी चाहिए। मैं ईश्वर के साथ तन्मय होना चाहता हूं, ऐसी भावना रखो। कथा सुनकर और मनन करके जीवन में उतारोगे तो कथा श्रवण सार्थक होगा। कथा सुनकर जीवन में एक लक्ष्य निश्चित किया जाए। श्री भागवत भगवान की कथा सुनकर कुछ ग्रहण करो। कथा का कोई एक शब्द भी मन में कुरेदोगे तो जीवन का उद्धार हो जाएगा। सबको लगा कि धुंधकारी की तरह हमने कथा क्यों नहीं सुनी, इसलिए हमें उस जैसी गति नहीं मिली। कथा का मनन करें तो वो उत्तम तो है ही, परंतु मनन न करें तो भी लाभ तो है ही। इसके पश्चात गोकर्ण ने श्रवण मास में दूसरी बार कथा कराई और उन सब का उद्धार हुआ। उस समय महारानी भक्ति वहां प्रकट हुई, ज्ञान और वैराग के साथ आई। इस कथा से महारानी भक्ति प्रकट होती हैं। ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति बढ़े तो मुक्ति मिले। ज्ञान और वैराग्य के बिना
भक्ति करने से मुक्ति नहीं। भक्ति महारानी आनंदित हुई और ज्ञान वैराग्य के साथ नृत्य करने लगी। मूर्छित और क्षीण ज्ञान को फिर से पुष्ट करने के लिए, जागृत करने के लिए ये श्री भागवत की कथा है। गोकर्ण के सभा मंडप में भगवान प्रकट हुए। उन्होंने गोकर्ण से कहा, मैं तुम्हारे कथा कीर्तन से प्रसन्न हुआ हूं, तुम कोई वरदान मांगो। उस समय सनंत कुमार कहते हैं कि जो मनुष्य श्री कृष्ण की कथा करे, कीर्तन करे, ऐसे वैष्णव भक्त के हृदय में आप विराजमान हो, सबको सदगति मिली है। वैकुंठ में जो आनंद मिलता है वही आनंद श्री भागवत कथा में मिलता है, परंतु शर्त यह है कि प्रेम पूर्वक इस कथा का श्रवण किया जाए। कथा श्रवण के समय इस जगत को विस्मृत करना चाहिए। श्री भागवत ऐसा ग्रंथ नहीं है जो मृत्यु के पश्चात ही मुक्ति दिलाए, ये तो मृत्यु के पहले ही मुक्ति दिलाता है। भागवत मुक्ति प्राप्त कराने का शास्त्र है। वेदांत के दिव्य सिद्धांत व्यास जी ने इस महात्म्य में ही भर दिए हैं। छठा अध्याय विधि बताने के लिए है। सत्कर्म विधि पूर्वक किया जाए तो दिव्य बनता है। सत्कर्म काल के नियम से अबाधित है। सत्यनारायण की कथा में भी कहा है, सत्कर्म करने में देर न करो। धर्मराज युधिष्ठर के पास आकर एक याचक ने दान मांगा। धर्मराज ने उसे अगले दिन आने को कहा। भीमसेन ने इस बातचीत को सुनते ही विजय दुदुभी बजानी शुरू कर दी। सबने सोचा कि भीमसेन कहीं पागल तो नहीं हो गया है, क्योंकि विजय दुदुभी विजय के समय ही बजाई जाती है। भीमसेन ने इसका कारण बताते हुए कहा कि आज हमारे बड़े भाई ने काल को भी नियंत्रण में कर लिया है, वे जान गए हैं कि वे अगले दिन भी जीने वाले हैं। धर्मराज के इस काल विजय के उपलक्ष्य में मैं ये दुंदुभी बजा रहा हूं। धर्मराज को अपनी इस भूल का तुरंत ज्ञान हो गया। कहा गया है, न जानियुम जानकी नाथे सवारेशु थवानु छे, अर्थात जानकी नाथ भगवान श्री राम भी नहीं जान सके कि कल प्रातः काल क्या होगा। धर्मराज ने याचक को तुरंत वापस बुलाया और यथो योग्य दान दिया। इसलिए सत्कर्म तत्काल करो।